डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और ये वीडियो मैं मंडे को पोस्ट करूँगी, तो थोड़ा लेट जाएगा वीडियो। और आज मैं कुछ स्पेशल डिश बना रही हूँ शाम के टाइम पे डिनर में। और ये हमारे उत्तराखंड में मतलब बनाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। उसमें एक तैड़ की सब्ज़ी बनती है और कद्दू का रायता बनता है, सेवियाँ बनती है, मतलब मीठा प्रसाद जो भी बनाना चाहो। तो मैं सेवियाँ बनाऊँगी, कद्दू का रायता बनाऊँगी, तैड़ की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, घी वाली रोटी। तो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी डिनर, तो बने रहेगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है तैड़ और ये ज़मीन में काफ़ी गहराई में पाया जाता है, इसे खोद के निकालना होता है ज़मीन से। तो आज क्योंकि शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन ये मेन प्रसाद होता है जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और इसको मैं पहले उबालूंगी, उसके बाद इन्हें कट करूंगी। और जैसे आलू की गुटके बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है इसको। तो इसमें ना अभी मिट्टी लगी हुई, क्योंकि ये काफ़ी गहराई में था ना, ये देखिए मिट्टी लगी हुई। तो इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसे उबालने के लिए रख देती हूँ। ये तैड़ मैंने अच्छे से धुल ली फ्रेंड्स, और कट भी कर दिए मीट से, ताकि ये गल जाए आसानी से, क्योंकि ये कच्चे रहते हैं तो टेस्ट मतलब अच्छा नहीं आता इनका। ये देखिए धुलने के बाद और कट करने के बाद ये कैसे लग रहे हैं। तो इनको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। ये है फ्रेंड्स कद्दू, पीला कद्दू। तो इसका मैं बना रही हूँ रायता, और ये भी प्रसाद में चढ़ाया जाएगा, मतलब तैड़ भी जो मैंने अभी उबालने के लिए रखे हुए हैं, और ये पीला कद्दू भी, इसका रायता बनता है। इसको उबालना है, अच्छे से मैश करना है, उसके बाद दही में मिला के रायता बनाना है इसका। तो इसको मैं कट कर देती हूँ, छील देती हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने पीला कद्दू भी कट कर दिया है, इसको भी मैं उबालूँगी, उसके बाद से अच्छे से मैश करके दही में मिक्स कर दूंगी। इसका बनाएंगे हम रायता। तो यहाँ पे ये तैर अच्छे से उबाल दिए मैंने, ये देखिए मतलब पक गए हैं। अब इनको छीलती हूँ, और मैंने ना यहाँ पे ये कद्दू रख दिया है, तो अभी इसको उबालते हैं। तो ये है फ्रेंड तैर, ये मैंने छील लिए हैं अच्छे से, और ये ना थोड़ा ज़्यादा गल गए थे, तो मैंने इनको सेप दे दिया एक, और इसमें नमक मिर्च मिला दी है। अब मैं इसको तलती हूँ तेल में। तो ये है फ्रेंड्स तैड़, और यहाँ पे पीला कद्दू भी बन गया है, मतलब अच्छे से पक गए। तो इसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, मैश कर देती हूँ अच्छे से। तो ये हो गया फ्रेंड्स कद्दू अच्छे से मैश। तो यहाँ पे रायता बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स सेवियाँ, और इसके लिए मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है पैन में। और मीठे में मैं आज मैं सेवियाँ ही बनाऊँगी, प्रसाद मैंने नहीं बनाया था, मतलब सूजी का हलवा नहीं बनाया था मैंने, सेवियाँ बनाई थी, क्योंकि सेवियाँ सभी को पसंद है, बच्चों को भी, तो सभी के लिए बनाई थी। तो चलिए फटाफट से सेवियाँ भी बना देते हैं स्वीट डिश में। तो ये बन गई हमारी सेवी तैयार है। यहाँ पे तैयार बन के तैयार हो गए हैं, इसको हम कटोरी में डाल देते हैं और प्लेट में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ बना दिया फ्रेंड, रोटी, रायता और सेमी और तैड़। तो ये था हमारा स्पेशल डिनर महाशिवरात्रि का।
तो ये था फ्रेंड्स मेरा महाशिवरात्रि स्पेशल डिनर। आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो शादी की आएगी, क्योंकि अभी हमारी फैमिली में शादी हुई है तो उसी की मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, दो पार्ट बनाए हैं। तो एक वेडनेसडे को अपलोड करूँगी, एक फ्राइडे को अपलोड करूँगी, वीडियो का वेट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि।